ये सारा श्रेय जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत की, मशक्कत की और उसी का परिणाम आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैट्रिक लगा ली और क्लीन बोल्ड कर दिया उनको जो बोल रहे थे कि जो विरोधी थे। ये जनता की जीत है, अवाम की जीत है। कहा जा रहा था कि फाइट जो है वो काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिली। जबरदस्त तो आपने देख ली, क्या हो गई? यहाँ लोगों ने मन बनाया था, यहाँ इन कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, ये हमारी जो माए बहने असल में इन्होंने जो प्रयास किया और वो आपके सामने आ गया नतीजा, बहुत सुंदर। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर भी इस समय जो इंडिया है वो काफी बेहतर कर रहा है और खास करके जो 400 पार की बात, देखो भैया एक आंकड़ा होता है, बेहतर क्या कर रहे हैं आप, उनके जितने उनके मिलाकर सीटें हैं ना उतनी भारतीय जनता पार्टी की है, तो अगर उनको भी थोड़ी सी बूंद मिल गई जरा बुझाने के लिए तो कोई हमें उन वोटरों का भी ख्याल है जिन्होंने उनको वोट दिया, बट हमारे नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक करने तीसरी बार जा रहे हैं। चलिए हैट्रिक के साथ साथ क्या काम जो है वो नए होने वाले हैं? बहुत अच्छे विकास, तरक्की, खुशहाली, जिसके लिए लोगों ने वोट किए हैं, जिसमें लोगों ने वोट किया। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर क्या कर रहे हैं? तो हमने कार्य करने हैं, जो हमने काम किए होंगे और जो बकाया रह गए हैं उनको करेंगे, इसीलिए लोगों ने वोट भी किए। बहुत शुक्रिया। और भी लोग सर, क्या कुछ कहना चाहोगे रमन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो है जीत जो है इस बार देखने को मिले, इससे क्या कहना? देखिए आज तीसरी बार डोडाधूम पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर साहब हैं इलेक्टेड होके दोबारा गए हैं, तो जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने 10 साल में इस रीजन में किए तो लोगों का विश्वास उन पर दोबारा रहा और उसी विश्वास को जो है जीत में बदल दिया। क्या लगता है, जिस तरह कहा जा रहा था कि फाइट होगी, फाइट जो है कांटे का मुकाबला? देखिए ये विपक्ष का एक नैरेटिव था और नैरेटिव आपने देखा वो आज ध्वस्त हो गया और बड़ी प्रचंड जो है बहुमत से डॉक्टर साहब तीसरी बार। साफ तौर पर यहाँ के लोग किस तरह वो जो है लोगों ने दिखा दिया, आपने देखा, आपने रिजल्ट अभी देखा और रिजल्ट बड़ी हैवी मार्जिन से डॉक्टर साहब जो है इलेक्ट हुए। बिल्कुल, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो बरकरार रही है और भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो विकास की बात करता है, वो शांति की बात करता है, तरक्की की बात करता है, उसी लहर पे चलते भारतीय डोडा, जो डोडा उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया और मोदी जी के साथ पार्लियामेंट में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार मौका देके एक बार हैट्रिक मार के वहां पे डोडा के जो लोग हैं निवासी है उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। बहुत बड़ी खुशी है, ये खुशी जो है ये हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, ये जवाब है उन लोगों को जो ख्यालों में जीते थे और ख्यालों में काम करते थे, जो ग्राउंड में काम नहीं करते थे और वो दावा करते थे कि इस बार यहाँ पे उनका कैंडिडेट जीतेगा जो कहीं ग्राउंड में था ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से उन लोगों को कह दूं और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह दूं कि जीएमसी डोडा में ईसीजी मशीनें जितनी है सबको एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि बड़े लोगों की हार्ट बीट जो आज बढ़ने जा रही है और कुछों की घटने जा रही है। किसके लिए? ओपोजिशन के लिए मैंने कह दिया ना, ओपोजिशन के लोगों के लिए आज शब्द कम पड़ेंगे और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा जरूरी है। जो है जश्न जो आज डोडा के अंदर मनाया जा रहा है और ये भाजपा ऑफिस बाहर से सारी तस्वीरें हैं। आज इस तरह जो है जीत साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 सीटों से जो है देखने को मिली है। आगे की जो तस्वीरें रहेंगी कोशिश करेंगे आप तक जो है पूरी पहुंचाएं।